बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है रिपोर्टर्स डेस्क और मैं हूँ अली नियाज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम में बहुत सी खबरें हमारे पास हैं आपके लिए। आगाज़ आज हम करेंगे शहर शेखुपुरा से। वहाँ पर हमने आपको गुज़श्ता दिनों भी बताया था कि शहर शेखुपुरा में जो क्राइम है, जो स्ट्रीट क्राइम है ख़ास तौर पर, वो बढ़ता चला जा रहा है। रहज़नी और चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है और उसी की आज सूरत हाल सबसे पहले हम आपके सामने रखेंगे, जहाँ पर थाना खान का डोगरा है उसके इलाके में लाहौर से सरगोदा रोड पर डकैती की एक वारदात हुई है। हम आपको इसकी सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर कि दो मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकू जनरल स्टोर में दाखिल हुए और नकदी और मोबाइल फ़ोन जो है वो छीन कर फरार हो गए। इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह की जो वारदातें हैं उसमें इजाफे से लोगों में खौफ व हिरास मौजूद है। हर चंद के पुलिस जो है वो अपने तय कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन वो कार्रवाइयाँ इतनी मौसर नहीं है कि इन अफराद के खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जा सके। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे सबसे पहले शहर शेखुपुरा से। हमारे साथ मौजूद होंगे अमजद अली सुल्तानी, हम उनसे बात करेंगे। अमजद अली सुल्तानी, क्या बताएंगे आप इस हवाले से? शेखुपुरा में मौसम की तब्दीली के साथ साथ डकैती की वारदातों में भी खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। रोजाना की बुनियाद पर डकैती की दर्जनों वारदातें हो रही हैं। इसी तरह की एक वारदात थाना खानका डोगरा के इलाका मेन लाहौर सरगोदा रोड पर हुई। दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार मसल्ला डाकू आए और जनरल स्टोर में घुस गए और लूटमार शुरू कर दी। इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से मजामत भी नजर आई, मगर डाकू लूटमार के बाद हवाई फायरिंग करते हुए आसानी से फरार हो गए। जब हमारी बात स्टोर मालकान से हुई तो उनका कहना था कि हमने छुपकर वन साइबर पुलिस को डकैती करने की नीयत से दाखिल होने वाले डाकुओं के बर वक्त इतला दी। अगर फौरी तौर पर पुलिस पहुंच जाती तो डाकुओं को पकड़ा जा सकता था, मगर बार बार कॉल करने के बावजूद भी पुलिस ना पहुंच सकी। जिला शेखुपुरा में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों को कंट्रोल करने में पुलिस जो है वो बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है और शहरी खुद को अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो है शिकार महसूस कर रहे हैं। जी ठीक है, अमजद अली सुल्तानी हमारे साथ आप मौजूद थे। यकीनी तौर पर जब ये हालात बन जाए और दिन दिहाड़े या राह चलते इस तरह की राजधानी की वारदातें होने लगे तो यकीनी तौर पर ये एक लम्हाए फिक्रिया ज़रूर है। कसूर से बात करते हैं। कसूर में एक इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया है। कल रात न्यू ईयर नाइट थी और उस पर एक इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन के नतीजे में 5 खतरनाक मुलजिमान बताए जा रहे हैं कि गिरफ्तार किए गए हैं। इन मुलजिमान से असलहा, राइफल, 3 पिस्टल, 18 मैगजीन और कसीर तादाद में गोलियाँ जो हैं वो बरामद की गई हैं। ये इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हुआ, इसका हम रुझान हासिल करेंगे। हमारे साथ होंगे सईद अहमद भट्टी, हम उनसे बात करते हैं। सईद, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि डीपीओ कसूर ज़ाहर नवाज के हदायत पर थाना कोटरा दक्षिण पुलिस का न्यू ईयर नाइट के मौके पर इंटेलिजेंस बेस्ट सर्च ऑपरेशन किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन 5 खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से जदीद नजायज असला, 1 राइफल और 3 पिस्टल, 18 मैगजीन, कैशियर तादाद में गोलियां और 7.5 किलो चरस जो कि 7500 ग्राम बनती है बरामद कर ली। थाना कोटरा किशन पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जी ठीक है, सईद अहमद भट्टी हमारे साथ आप मौजूद थे कसूर से। नाज़रीन, कसूर की सूरत हाल थी जहाँ पर ये एक ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन के नतीजे में 5 खतरनाक जो मुलजिमान हैं, जो मतलूब थे पुलिस को, उन्हें गिरफ्तार करके भारी मकदार में असलहा है वो भी बरामद किया गया है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम झंग से, जहाँ पर शुगर मिल्स के खिलाफ किसान जो है वो सरापा एहतजाज हैं। किसान हमेशा से इन जो शुगर मिल्स माफिया है उनके हाथों परेशान ही रहे हैं, उनके हाथों ब्लैकमेल ही होते रहे हैं। गन्ना ले लिया जाता है लेकिन जो वक्त पर अदायगी है वो नहीं होती, जिसकी वजह से जो किसान हैं वो परेशान रहते हैं। अब भी यही सूरत हाल है कि लोग एहतजाज कर रहे हैं। दरिया चिराग के पुल पर एहतजाजी जो पुल है उसे एहतजाजी किसानों ने बंद कर दिया है। आवाम को आने जाने में दुश्वारी का सामना भी करना पड़ा है क्योंकि शुगर मिल्स माफिया ने गन्ने के रेट कम कर दी है। सरकारी रेट पर वो गन्ना खरीदने को तैयार नहीं है। सीजन भी है, आप सब जानते हैं। इस हवाले से बात करेंगे
जावेद अवान से। जावेद अवान, क्या बताएंगे इस हवाले से आप? जी बताता चलो कि शुगर मिल माफिया ने बदमाशियां शुरू कर दी हैं, किसानों को ब्लैकमेल करना शुरू किया हुआ है, गन्ने का रेट भी कम कर दिया है और क्रशिंग सीजन भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से गन्ना सड़कों पर और खेतों में ही सूखना शुरू हो गया है। सड़कों पर गन्ने की लदी हुई ट्रालियां खड़ी होने की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होना भी शुरू हो गई है। किसानों ने एहतजाज शुरू कर दिया है, दरिया चनाब पर चुंड पुल और चनेट रोड को एहतजाजी किसानों ने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से आवाम को आने जाने में बहुत दुश्वारी का सामना है। मरीज और एम्बुलेंसों को भी आने जाने में दुश्वारी का बहुत सामना हो रहा है। किसान इत्तेहाद के नुमाइंदों माल वाजिद नौर और मोहम्मद अरशद सलियाना ने कहा है कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे हम ये एहतजाज जारी ही रखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेट भी, शुगर मिल वालों ने रेट भी कम कर दिए और क्रशिंग भी बंद की हुई है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मिल को फौरन चलाया जाए, गन्ने का रेट 190 रुपए फी बंद किया जाए, ये कहना है वाजिद नौल सदर हैं किसान इत्तेहाद के और मोहम्मद अरशद सलियाना है जनरल सेक्रेटरी किसान इत्तेहाद जंग के। जी ठीक है जावेद अवान, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे जंग से और जंग की सूरत हाल आपने हमारे नाज़रीन के सामने रखी है। नाज़रीन वहाँ पर किसान सीएम पंजाब की तरफ से एक टीम आएगी, वो हमें जो टारगेट्स दिए हैं उस टारगेट्स के मुताबिक हमें नंबर देंगे। ये तमाम मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन पंजाब में और केपी में इनका आपस में मुकाबला है और जो टॉप पे आएगा उसे सीएम साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब बाकायदा इनाम देंगे। हमें एडिशनल फोर्स भी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, हमने 150 सैनिटरी वर्कर और सीवरमैन दोनों भर्ती कर लिए हैं हमने और एक इलाका हमने मार्क कर लिया है, ये फ्री टाउन का इलाका है, इसमें रूट्स मुतय्यन कर लिए हैं। आज जनाब कमिश्नर साहब साहिबाल तशरीफ लाए थे, उन्होंने तमाम अमले की हाजिरी को भी चेक किया है और रूट्स को भी चेक किया है और पूरे प्लान को चेक किया है। अब वो इफ्तिताह करके चले गए हैं और दरमियान में दोबारा आफ्टर द एंड ऑफ दिस डे उसको चेक करेंगे हमने टारगेट अचीव किए हैं या नहीं किए। इसमें टारगेट्स में ये है कि इस इलाके में फ्री टाउन में जितने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं उनकी केमिकल रिपोर्टिंग चेक करेंगे, उनकी हाजिरी चेक करेंगे, उनके फिल्टर चेक करेंगे, क्वालिटी वाटर चेक किया जाएगा। इसी तरीके से जो ओवरहेड रिजर्वायर्स हैं फ्री टाउन में जितनी भी हैं उनमें ब्लीचिंग डाली हुई है, उनकी क्लीनिंग कर दी गई है। इसी तरीके से जो ट्यूबवेल्स हैं, ट्यूबवेल्स पर ऑपरेटर जो है मौजूद हैं, क्लोरीनेशन उनकी हमने शुरू कर दी, इनके भी अलग नंबर है। इसी तरह ग्रीन बेल्ट्स के अलग नंबर है, उनकी सफाई हो रही है। अनअटेंडेड जो खाली प्लाट्स हैं उनकी सफाई भी हो रही है और तमाम स्टाफ को जो हमने बाद में भर्ती किया है वो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने रूट्स पर मौजूद रहेंगे और आप इनकी कारकर्दगी भी देखेंगे। इसी तरीके से इस इलाके में जो सीवरज के प्रॉब्लम है उसके लिए एक अलहदा गैंग हमने बनाई है, वो सीवर मैन जो है इस वक्त तमाम जो गटर्स हैं उनकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जिस भी का कोई ढकना टूटा हुआ है ढकना मरम्मत कर रहे हैं, जो ढकना नहीं है ढकना रख रहे हैं। इसी तरह जो इंक्रोचमेंट्स का हमला है वो तमाम इंक्रोचमेंट्स फ्री टाउन में आज ख़त्म करेगा इंशाल्लाह और हम टारगेट इंशाल्लाह अचीव करेंगे। जिस तरह के बाबर साहब बता रहे थे कि ये एक मरबूत निज़ाम के तहत जो है ना इस मुहिम को चलाया जा रहा है, ये नहीं है कि एक दिन शुरू की गई है और अगले दिन ख़त्म हो जाएगी, ये पूरा एक इसमें हर चीज़ जो है उसका जायज़ा लिया जा रहा है और जिससे कि हम देख रहे हैं कि एक वाज़े तब्दीली नज़र आई है। फ़याज़ रबानी हमारे साथ आप मौजूद थे, हमें आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन बात करते हैं ओबाड़ो से, जहाँ पर ओबाड़ो में मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने पर स्कूल्स दोबारा खुल गए हैं। मोहम्मद अली मलिक हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। मोहम्मद अली मलिक, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? कुल मौसम सरमा की तातीलात खत्म हो गई, स्कूल खुल गए हैं तो सर्दी में शिद्दत के बायस से बच्चों की तादाद स्कूल में इंतहाई कम है। इस वक्त हम मौजूद हैं ओबाड़ो के इलाके गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल अब्दुल कादिर रिंद में। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए असाज़ा भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि स्कूल में बच्चों की तादाद कम क्यों है, इस हवाले से इनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, विंटर वेकेशंस मौसम सरमा की जो तातीलात थी वो तो ख़त्म हो चुकी हैं और अभी पिछले 10 दिनों से बहुत ही वेदर ख़राब है, 2-3 सेंटीग्रेड चल रहा है सखर डिवीज़न स्पेशली, और हमारा डिस्ट्रिक्ट घोटकी तहसील ओबाड़ो तो वैसे भी रहम्यार खान सादकाबाद बॉर्डर पंजाब के साथ लगता है, तो यहाँ की वेदर और पंजाब की वेदर तकरीबन सेम ही है। गवर्नमेंट ने जो एहसन मंगी साहब सेक्रेटरी साहब ने डिसीशन लिया है वो तो बिल्कुल वो बंगलों में बैठ के जो ऑफिसेज में बैठ के पिजारों गाड़ियों में चल के वो डिसीशन लेते हैं, वहाँ उनको कम से कम फिजिकल कंडीशंस का हालात तो देखना चाहिए था, इस तरह डिसीशन नहीं होते। हमें उम्मीद थी कि कोई अच्छा डिसीशन लेते और कम से कम 8-10 दिन एक्सटेंड करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। टीचर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन चीज़ है बच्चे बीमार हो जाएंगे, बच्चे आ नहीं रहे स्कूल्स में, जो है ना वो स्ट्रेंथ बिल्कुल ना होने के बराबर है। गरीब बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले, उनके पास तो ना स्वेटर है ना पाँव में पहनने के लिए कोई शूज़ है,
اور کم از کم گورنمنٹ کو چھوٹے بچوں پہ رحم کرنا چاہیے اور ایکسٹینڈ کرنی چاہیے ونٹر ویکیشنز. جی بالکل جیسا کہ محمد علی ملک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اباڑوں سے اور وہاں کی صورتحال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے. ناظرین گوجرانوالہ سے ہم بات کرتے ہیں جہاں ضلع بھر میں بی ایچ یو سینٹر فعال کر دیے گئے ہیں. ہمارے ساتھ وہاں سے ہم موجود ہیں شفقت ندیم گرایا, ہم ان سے بات کر لیں گے. شفقت کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ کنڈیشنز بہتر ہونا بہت ضروری ہوتی ہیں. جس قوم کی ہیلتھ کنڈیشن بہتر ہوتی ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے, یقین وہ قوم جو ہے وہ توانا ہوتی ہے اور اس کا ماہر بھی توانا ہوتے ہیں. اس حوالے سے گوجرانوالہ کے اندر ڈی ایچ او پریونٹیو میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ بی ایچ یو لیول کے اوپر جو عوام کو شکایات ہوتی ہیں وہاں پر چیکنگ نہیں ہوتی, وہاں پر جو صورتحال ہے وہ بڑی ناگہانی ہوتی ہے, وہاں پر جو ڈاکٹر ہیں ان کی حاضریوں کے حوالے سے بھی شکایات موصول ہوتی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ الحمد للہ گوجرانوالہ میں ہیلتھ کے حالات بہت بہتر. ہمارے پاس بیسک ہیلتھ یونٹ ہے 94, اس میں سے اور 12 آئیس جو بی ایچ یو ہے اس میں سے 32 بی ایچ یو ہمارے 24/7 سروسز دے رہے ہیں. 24 گھنٹے ان کے اوپر ایل ایچ بیز آئی آر گارڈس موجود ہیں لوگوں کی لوکل ایریے میں رہتے ہوئے سروسز دینے کے لیے. دوسرا انڈیکیٹر ہوتا ہے ڈاکٹرس کی پریزنس. ڈاکٹر کی پریزنس بایو میٹرک میں الحمدللہ ہم 2 ماہ پہلے بھی ٹاپ پہ تھے پورے پنجاب, اور اس کو انشور بھی کیا جاتا ہے سی او ہیلتھ میں. ٹھیک ہے شفقت ندیم گرایا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے, ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین حیدرآباد سے ہم بات کرتے ہیں. حیدرآباد جہاں پر انتظامیہ کی نااہلی کے باعث سیوریج کا جو پانی ہے وہ متعدد علاقوں میں موجود ہے اور اس سے صورتحال انتہائی گمبھیر ہے. عدیل رضا عباسی ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے بات کر لیں گے. عدیل آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ حیدرآباد کے ایک بہت ہی مشہور و معروف جو ہے چوک ہے, یعنی کہ نیا پل چوک, خواجہ کریم نواز پل جو ہے اس کے چوک پر ہم موجود ہیں. اور اس روڈ کی اہمیت میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں اس چوک کی اہمیت سے کہ ایک طرف میرے بائیں جانب جو ہے یہی روڈ جو ہے لطیف آباد کی طرف جا رہا ہے, اور یہ میرے پیچھے جو آپ روڈ آپ کو دکھ رہا ہے کریم نواز پل, یہ روڈ سیدھا جو ہے انٹیریئر سندھ کی طرف جا رہا ہے, اور میرے دائیں جانب جو ہے یہ اسٹیشن کی طرف ہے. تو یعنی کہ یہ مین چوک ہے حیدرآباد کا جس کے چاروں طرف جو ہے کہ مطلب رستے نکل رہے ہیں, لیکن یہاں پر انتظامیہ جو ہے خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خواجہ غریب نواز پل کی حالت کہ یہاں پر مہینوں ہو گئے ہیں یہاں پر یہ پانی بھرے ہوئے, اور اس پانی کی وجہ سے یہاں پر جو ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے بالکل سامنے واسا والوں کا یعنی کہ ان کا بھی دفتر ہے, لیکن اس کے باوجود اس جانب انتظامیہ کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے. ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. جی بھائی آپ بتائیں گے, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ عرصہ دراز سے یہ روڈ جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, ادھر اکثر پانی بھرا رہتا ہے لیکن انتظامیہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتی ہے, اور یہ لطیف آباد کی طرف بھی جاتا ہے اور اندرون سندھ سے یہ روڈ ملتا ہے. مین شاہراہ ہے اسٹیشن روڈ, ادھر اسٹیشن روڈ ہے اس طرف, اور سامنے واسا کا دفتر ہے. یہ پانی اکثر بھرا رہتا ہے, یہ پانی کی وجہ سے ادھر کے جو شہری ہیں دکاندار ہیں بڑے پریشان ہیں کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی, کوئی سننے والا نہیں ہے, اکثر پانی بھرا رہتا ہے. جی میں اس وقت تو یہی کہوں کہ صبح بھی ایک دو گاڑی اس میں گری ہے, اس کا ٹائر ٹوٹا ہوا ہے, بڑا اس کا ایکسل ٹوٹا ہوا ہے, نقصان ہو گیا. پیاز کی بوری آلو کی بوری گندے پانی میں پڑی ہوئی تھی, اور دوسرے واسطوں سے ہم گزارش کرتے ہیں دکاندار جتنے بھی یہاں کے تاجران ہیں کہ پانی کو ختم کرے, اور یہ جو پیپ ٹوٹ پٹا ہوا ہے یہ بہت بڑا مین پیپ ٹوٹا ہوا ہے گندے پانی کا ہے, اور یہ جلدی بنا ہے. ٹھیک ہے عدیل رضا عباسی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کی صورتحال سے آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے. ناظرین پروگرام کے آخر میں ڈیرہ غازی خان سے ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس آپ کے لیے, جہاں پر ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کے آفس میں پولیو کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہوا ہے. کیا فیصلے کی گئی ہیں ہمارے, یہ رپورٹ ہے عرفان مجید خٹک کی, آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں. خان آفس میں پولیو کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا جس میں ڈپٹی کمشنر طاہر فاروق کا کہنا تھا پولیو کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا, جس کے لیے ہر فرد کو کردار ادا کرنا ہوگا. ڈپٹی کمشنر طاہر فاروق نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سول سوسائٹی کو متحرک کرنے کا ٹاسک دے دیا. ڈپٹی کمشنر طاہر فاروق نے کہا کہ 5 سال تک کے ہر بچے کو پولیو کے قطرے پلا کر ملک کے مستقبل کو صحت مند بنانا ہے, جس کے لیے علماء, منتخب نمائندے, سول سوسائٹی, سرکاری ملازمین سمیت ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ پولیو مہم میں
اپنے تجربات اور خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید مؤثر طریقے سے مہم چلائی جائے۔ اس موقع پر سی او ہیلتھ ڈاکٹر خلیل احمد نے بتایا کہ گزشتہ مہم میں کافی عرصے سے قطرے پلانے سے انکار کرنے والے خاندانوں کے 35 بچوں کو 100% کور کر کے پولیو کی حفاظتی ویکسین پلائی گئی۔ 2 سال تک کے 6175 ایسے بچے بھی ریکارڈ کیے گئے جن کو ابھی تک حفاظتی ٹیکے نہیں لگائے گئے تھے، جس کے لیے ویکسینیٹر کو ڈاس دیا گیا اور اب تک 855 بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگا دیے گئے اور ویکسینیٹر 1 ماہ کے اندر تمام بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائیں گے۔ سبزی منڈی کے ڈسپوزل میں پولیو کا سیمپل پازیٹو آیا ہے، جس کے تحت ضلع ڈیرہ غازی خان میں مزید خصوصی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ضلع ڈیرہ غازی خان میں گزشتہ پولیو مہم میں مجموعی طور پر کامیابی رہی۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وسیم اختر جتوئی، قاری جمال، عبدالناصر اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ عرفان مجید خٹک، دین نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ ناظرین، یہ رپورٹ دیکھی آپ نے عرفان مجید خٹک کی۔ پروگرام کا ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو چکا ہے، ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔